अभी हमने कल पढ़ा था कि जो 12th क्लास की जो अभी आगे एग्जाम होने वाली है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम पार्ट दो को हल कर रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास पहला प्रश्न है समाकलन रूट वन प्लस कोस टू एक्स डीएक्स को हल करना आपको। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम। आप लिखोगे आई बराबर रूट वन प्लस, अब देखिए मैंने कोस के लिए आपको बता रखा है जब भी कोस के साथ ये कहे तो आपको एक को काटना है। तो यहाँ पर आप एक को काटने के लिए कौन सा रूल लगाओगे, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या आप इसके रूल लगा दें किसका, कोस टू एक्स का फॉर्मूला, जिससे ये कट रहा है इससे भी। अब हमारे पास मान आ गया रूट में दो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसको आप ऐसे लिख दो रूट दो तो आ गया बाहर पहले से, ये हो गया कोस एक्स डी एक्स। अब रूट दो तो कोस बाहर आ गया ना, अंदर आ रहा है कोस एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं कि कोस एक्स का जब आप समाकलन करते हैं तो क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर आ गया साइन एक्स और प्लस में सी। ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए आप प्रश्न नंबर दो का हल। प्रश्न नंबर दो में क्या लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपको क्या दे रखा है, पी ए का मान 0.2 है और पी बी का मान है 0.5, तो आपको पी ए यूनियन बी हो गया करना है। तो आप जानते हैं स्वतंत्र घटनाओं की शर्त का मतलब क्या होता है, जो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी है, पहले आप लिख दो इसका मान 0.2 हो गया और पी बी का मान हो गया 0.5, और आपको निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी निकालना है। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर पी ए का तो मान पता है आपको और पी बी का मान भी पता है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन का मान पता नहीं है। तो आप जानते हैं जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती है तो उनके इंटरसेक्शन का मान क्या होता है, उन दोनों के डॉट के बराबर होता है। तो आप इसको ले दोगे पी ए डॉट पी बी। अब इन सब का मान आपको वहाँ से रखना है, तो इसका मान तो आ गया मेरे पास 0.2, इसका आ गया 0.5 माइनस 0.2 इंटू 0.5। अब इनको आप आगे सल करोगे तो ये तो हो गए 0.7 माइनस, और वो कितने आ गए आपके 0.1 आ गए वैसे, कि भाई ये बनेगा मान आपका, तो इसको आप 0.1 भी माने सकते हो। अब इनको लेस करोगे तो मान क्या देगा आपका 0.8। सोचिए रुक चुके हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर तीन में हमारे पास आ रहा है, यदि एफ आर टेन टू आर और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7, तो आपको एफ यूनिट से का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार आप मान लेंगे, माना जो एफ इनवर्स एक है उसके बराबर आपने बार एक्स मान लिया। अब उससे मेरे पास एक बराबर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब एक बराबर एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स का मान दे रखा आपको कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7। अब इसको आप यूँ लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7 माइनस 1 = 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 = 0। अब इसका आप फैक्टर कर लो तो इसके फैक्टर हो गए -3x -2x+6 = 0। इसमें आपने लिया एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन तो एक्स माइनस 3 = 0 आ रहा है। अब एक तो आ रहा है एक्स माइनस 3, एक आ रहा है एक्स माइनस 2 = 0 आ रहा है। अब जब आप इनको 0 के बराबर रखोगे तो एक्स का मान 2 आ गया और 3 आ गया। अब देखिए ये जो दो और तीन है ना, ये दोनों देखो आपके सीरियल नंबर में आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए मेरे पास जो एफ इनवर्स एक है, तो देखो आपने अभी माना था ना एक्स, आपने किसके बराबर माना था, एफ इनवर्स एक के बराबर माना था, तो एफ इनवर्स एक का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। ये हमारे पास हो गया प्रश्न नंबर फर्स्ट। अब देखो सॉरी थर्ड। अब उसके बाद देखिए आप प्रश्न नंबर चार में, प्रश्न नंबर चार में आपसे पूछा है यदि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप + 2k कैप तथा 3i कैप - 2j कैप + k कैप त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हों तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए अगर ये दोनों संलग्न भुजाएं आ रही है तो आपने इस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये पढ़ा है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और मापांक सदिश a×p। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आप मान लेंगे कि आपकी भुजा ए तो कितनी हो गई, यहाँ पर ए भुजा तो हो गया हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप + 2k कैप, और जो वेक्टर बी हमारे पास है वो कितना हो गया है 3i कैप - 2j कैप + k कैप। अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, a×b का मान निकालना पड़ेगा ना। अब देखो a×b का मान हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर दो सदिशों के सदिश गुणनफल का रूल लगाएंगे, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका हम फॉर्मूला काम में लेंगे। तो
तो आप यहाँ लिखोगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आई की वैल्यू हमारे पास होगी, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1 2 2 होगी, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 1 2 2, और इस वेक्टर बी की होगी 3 -2 और 1। इसके आगे आप 1 मान सकते हैं यहाँ पर, नहीं है तो आपका मान क्या हो गया 3 -2 और 1। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका मान आएगा आई के इनटू आएगा 2 और +4 हो गया। इसी तरह माइनस जे कैप के इनटू मान क्या आएगा आपका 1 और -6 हो गया, 1 -6। प्लस के कैप के इनटू क्या आ गया मान आपका -2 और -6 हो गया। अब इसको आगे सल करने पर मान आएगा a×b=, ये आ गया 6 i कैप और ये आ गया -5 है, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 5 j कैप। इसी तरह आपने ये लिख दिया माइनस का 8 k कैप। जब आप इसका परिमाण निकालते हो यानी a×b का परिमाण निकालोगे तो आपका मान क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा रूट में 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। इसका परिमाण हमारे पास आ गया 36 + 25 + 64। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो देखो इनको पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 6 और 4 10 हो गए ना, फिर यानी 100 हो गए दोनों मिलकर के, ये हो गया 125, तो मान आपका आ गया 125। अब 125 को आप ले दोगे 5√5। अब ये तो हमारे पास किसका मान आ गया फिलहाल, ये तो आ गया a×b का मोड आ गया। लेकिन आपको वास्तव में क्या निकालना था, आपको वास्तव में निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला ये था। तो आप लिखोगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जिसका फॉर्मूला पढ़ा आपने, 1/2 × a×b। अब देखो यहाँ पर 1/2 रहेगा सेम हमारे पास, इसका मान मेरे पास आ गया 5√5, यानी अभी सरल होगा नहीं है, तो इसको आप देखें 5√5/2 मात्रक। तो ये आपने निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसके तो पहले बच्चों अब देखिए आगे सवाल नंबर 5 है, इसमें देखो आपको क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 5 में, यदि 2 tan−sin x = tan−2 sec x, जहाँ पर अक्ष आपका 0 से π/2 के बीच में हो तो आपको अक्ष का मान अवज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारे पास समीकरण आ रहे वो हम काम लेते हैं, 2 tan−sin x और बराबर में आ रहा है 10−2 sec x। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 tan−x का फॉर्मूला लगाते हैं जो क्या होता है 10−2x/1 − x²। इधर वाला आ रहा है सेम 10−2 sec x, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, 2 tan−x = होता है 10−2x/1 − x²। मैंने यहाँ पर इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया है। अब देखो दोनों तरफ 10 तो हो रहा है कट सीधा, यहाँ पर आ रहा है 2 sin x और इसको आप ले देंगे cos²x। इधर वाले मान में आपका 2 sec x है, इसको आप 2/cos x कर देंगे। अब देखो दोनों तरफ ये कोस तो कट रहा है सीधा ही है, और 2 से 2 भी कट रहा है, यानी मेरे पास आ गया sin x/cos x = 1 आ गया, यानी tan x = क्या आ गया मेरे पास है 1। अब आप जानते हैं टेन में कितने डिग्री का मान एक होता है, और ये 4 का होता है, तो यहाँ पर आ गया मान π/4, इन्हें काट दिया आपने, अक्ष का मान आ गया π/4, क्योंकि आपको एक ही मान प्राप्त करना है, रेस देखिए कि आपको इस प्रथम क्वाड्रेंट में लेके आना है, तो आपका यहाँ पर केवल एक उत्तर हो गया π/4। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं, इसमें देखो आपके पास एक कोई वक्र आ रहा है, इस वक्र की आपको एक स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो क्या आएगी इसके समांतर आएगी। तो जैसे मान लो हम डायग्राम देखें तो मान लो ये मेरे पास वक्र 1 और वक्र के इक्वेशन आ रही है मेरे पास y√x²−2x+3, और मान लो इसकी ये स्पर्श रेखा है कोई भी जो आपको ज्ञात करनी है, और देखो ये किसके समांतर है, ये अलग से एक रेखा और है जिसका समीकरण आपको दिया गया 2x − y + 9 = 0, यानी ये आपका वक्र हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, और अब आपको इसके समांतर इसका समीकरण हो गया करना है। तो आपने यहाँ पर एक बार कोई बिंदु समान P बना और P के मान लो निशान क्या हो गया x और y। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है, हालांकि देखो अब इसकी मैं आवश्यकता इसको मिटा दूंगा वापस, क्योंकि बता दें मैंने आपको फॉर्मूला होता है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे इतनी देर अब ये काम ले लेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले जो वक्र का समीकरण है ना आप लिखोगे वक्र का समीकरण, और वक्र का समीकरण मेरे पास क्या आ रहा है, जो आ रहा है y√x²−2x+3। अब इसका आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करना, आपको x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे यानी यहाँ तो आएगा डी अपॉन डी एक्स, उधर आएगा 2x-2, और ये आपके पास साथ में इसका अवकलन भी हो गया और साथ में क्या आ गई है इस बिंदु एक्स वाई पर इस स्पर्शरेखा की प्रवणता भी आ गई है, तो इसको आप मान लेंगे एक बार समीकरण नंबर एक। अब देखो जो दी गई है, दी गई समांतर रेखा का समीकरण हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है यानी दी गई समांतर रेखा का समीकरण आपके पास है 2x-y+9=0, तो आपने लिख दिया 2x-y+9=0। अब इसकी भी पहले आप प्रवणता निकालोगे, प्रवणता निकालने के लिए आपके पास वही तरीका है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, तो जैसे आप ये अवकलन करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये तो आ गया 2, ये डिवाइड बाय डी एक्स और ये प्लस 0 हो गया ना, उधर 0 आ रहा ही। अब जो डिवाइड बाय डी एक्स है वो आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये जो प्रवणता है ना वो इसकी प्रवणता है लेकिन साथ में ये इसके भी कम है क्योंकि इसके समांतर है, आप जानते हैं अगर कोई रेखा किसी के समांतर होती है तो दोनों की प्रवणता समान होती है, तो ये मतलब क्या हो गया हमारे पास है? उस स्पर्श रेखा की एक तो प्रवणता ये हो गई है कौन से बिंदु पर, एक्स वाई पर, और दूसरी इसकी प्रवणता क्या हो गई है, ये 2 हो गई है, मतलब दोनों समान ही है ये। तो अब आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 से दोनों मान बराबर आ गए यानी जो 2x-2 है वो आपका 2 के बराबर आ गया, अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं कि 2x=4 और x=2 मेरे पास है 2, यानी आपके पास x का मान 2 आ गया। अभी हमें y का मान और निकालना है, तो y का मान और निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले आपको समीकरण जैसे आपने यहाँ पर अल्फा मान ली, अब इस x का मान आपको इस वक्र के समीकरण में रखना है, तो आपने लिख दिया x का मान समीकरण अल्फा में रखने पर। अब जैसे आपने इसमें वक्र वाले समीकरण में मान रखा तो आपके पास मान आ गया y बराबर x, वहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर -2×2 और प्लस में आ रहा है 3, तो y का मान आ गया मेरे पास 4-4+3, ये दोनों कट गया आपस में यानी अभी जो y का मान आपके पास है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो x का मान तो 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्पर्श बिंदु है ना यहाँ पर जो आपने x y माना था वो कितना हो गया है, 2,3 हो गया, तो आपने लिख दिया अतः स्पर्श बिंदु मेरे पास क्या आ गया, स्पर्श जो बिंदु है वो मेरे पास 2,3 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे इस बिंदु से जाने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण वो प्राप्त कर लेंगे, तो आप लिखोगे बिंदु 2-3 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, और स्पर्श रेखा के समीकरण का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले से यानी y-y0/dy/dx(x-x0)। अब यहाँ पर y-y0 का मतलब बिंदु आपका क्या हो गया, ये तो x0 हो गया ना, ये हो गया y0, तो यहाँ पर तो आ गया 3, और जो dy/dx है ये प्रवणता है, अगर हम ये मान यहाँ रख के निकालेंगे तो भी आपकी प्रवणता क्या आएगी, 2 आएगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहीं से काम ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर प्रवणता क्या जाएगी यानी 2 और x माइनस ये कितना आ रहा है मेरे पास मान अभी है वो 2 आ रहा है। अब इसको आप आगे अगर सरल करोगे तो आपके पास मान आ गया y-3/2x-4, इसको आप लिख दोगे 2x-y-4+3=0, अर्थात आपका उत्तर क्या आ गया 2x-y-1=0, ये आगे हमारे पास क्या अभीष्ट स्पर्श रेखा की समीकरण। तो देखो आगे प्रश्न नंबर 7 है, लॉग एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे आप माना वाई बराबर लॉग एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। अब देखिए जब आपको चर पर चर की घात मिल जाए ना उसका अवकलन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा पहले क्या माना आपने, यू तो मान लिया आपने लॉग एक्स की होल पावर एक्स को और वी किसको मान लिया आपने, एक्स की पावर लॉग एक्स को। अब देखिए जो वाई का मान आपका वो क्या बन गया, वाई का मान आपका हो गया यू प्लस वी, और जब आप इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो आपके पास यहाँ पर तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ डी ओ अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसको हम एक बार क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए जो आपने u क्या माना था, u माना था आपने log x की होल पावर x। अब आपको क्या करना है, पहले दोनों पक्षों का log लेना है, यहाँ पर दोनों पक्षों का log लेने पर, और जैसे आप log लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा log u और यहाँ पर आ गया x log log x, क्योंकि आप जानते हैं log m की पावर n में क्या होता है, n आपका आगे आ जाता है, तो यहाँ पर पावर इसकी पहले आ गई। अब आप कर दो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे आप अवकलन करोगे तो इसका होगा एक बटा यू डी ओ अपॉन डी एक्स, और इसमें यू डॉट वी का रूल लगाना आपको। तो पहले अक्ष आ गया कॉन्स्टेंट, इस लॉग के लिए ये मान लो अक्ष हो गया, तो लॉग का होता आपका एक बटा अक्ष, लॉग अक्ष आ गया। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा वापस एक बटा अक्ष प्लस, अब हमारे पास क्या आएगा लोग लोग अक्ष, ये तो आएगा कोस्टेंट और अक्ष का हो गया हमारे पास है एक। अब आपका मान आ गया, ये अक्ष तो कट रहा है इसमें भी, एक बटा लोग अक्ष और प्लस में ये आ गया मेरे पास लोग लोग अक्ष आ गया। अब इस यू को आपको उधर भेजना है, यानी एक बटा यू डी ओ अपॉन डी एक्स है, इसमें यू को आप उधर लाओगे तो ये मान इसके गुणा में आ जाएगा, यानी जो डी ओ अपॉन डी एक्स का मान है वो यू के इनटू में आ गया, और इन दोनों में अगर आप चाहो तो लघुतम ले सकते हो, न लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ रहा है मेरे पास लोग और लोग एक्स। अब यू का मान आपको रखना है वापस, और जैसे आप यू का मान वापस रखोगे तो यू का आपने क्या माना था, लोग एक्स की ऑल पावर एक्स को माना था, यानी लोग एक्स की ऑल पावर एक्स अंदर आ रहा है एक बटा लोग एक्स प्लस लोग लोग एक्स, और इसको मान लिया हमारा पास समीकरण नंबर दो। ये तो आपने समीकरण एक मानी थी, उसको मान लिया आपने समीकरण नंबर दो। अब वी का जो मान हमारे पास है वो क्या आ रहा है, एक्स की पावर लॉग एक्स आ रहा है, एक्स की पावर लॉग एक्स। फिर से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का लॉग लेना है, और जैसे आप दोनों पक्षों का लॉग लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा लॉग वी, यहाँ पर देखो इसकी पावर पहले आ गई यानी लॉग एक्स पहले आ गया और बाद में आ गया लॉग एक्स। अब इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी मान सकते हो, और अब आपको करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन, और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, तो आपके पास मान क्या रहेगा, इसका हो गया एक बटा वी डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें आपको पहले करना क्या है, x की पावर n का रूल लगाना है, तो क्या आ गया मेरे पास घात का हो गया 2 log x, ये पहले पावर का हो गया ना, अब log का दोबारा क्या, तो इसका हो गया एक बटा एक्स, यानी मेरे पास डी वी अपॉन जो डी एक्स है उसका मान आ गया v इंटू 2 log x बटे x। अब आपको यहाँ पर v का मान वापस रखना है, जैसे आप v का मान वापस रखोगे तो वी का मान हमारे पास है एक्स की पावर है लॉग एक्स आ रही है, एक्स की पावर लॉग एक्स, और अंदर हमारे पास मान आ रहा है 2 लॉग एक्स बटा एक्स। अब चाहो तो आप इसका आगे थोड़ा और भी सरलीकरण कर सकते हो, अन्यथा इसको आप यहीं तक पढ़ रहे दो। अभी हमारे पास आगे समीकरण नंबर है 3। अब देखो समीकरण 2 व 3 दोनों का मान आपको कहाँ रखना है, इस समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो आपको लिखना है समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण एक में रखने पर। तो जैसे आप एक में रखोगे तो यहाँ बाएं पक्ष में तो आ रहा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, और इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, यहाँ से ये मान लिख दिया, यानी लॉग एक्स की होल पावर एक्स और ब्रैकेट में आ गया एक बटा लॉग एक्स और प्लस में लॉग लॉग एक्स आ रहा है, लॉग लॉग एक्स और प्लस में ये तो उसका मान हो गया ना, अब इसका मान लिखना आपको यहाँ से, ये यानी x की पावर log x और आगे ब्रैकेट में आ रहा है 2 log x बटे में x। अभी आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे आप इसको सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। देखो आगे प्रश्न नंबर 8 में आ रहा है हमारे पास क्या, समाकलन 0 से पाई x dx बटे में आ रहा है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, इसको हल करना आपको।
तो पहले आपने मान लिया आई बराबर जीरो से पाई एक्स डी एक्स और बटी में आ रहा है ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है पर इस एक्स को उठाने के लिए आपको इसमें पी फोर लगाना पड़ेगा, तो आपने लिख दिया गुणधर्म पी फोर से। जैसे आपने पी फोर लगाया तो आई का मान क्या आएगा मेरे पास जीरो से पाई और यहाँ पर आ गया पाई माइनस एक्स डी एक्स और यहाँ पर भी क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब जब आप इसको सरल करोगे तो ये आ रहा है जीरो से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि आपको पता है पाई माइनस एक्स का मतलब मान का चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस साइन का साइन, और होल स्क्वायर है तब इसमें माइनस का कोई फर्क पड़ेगा है नहीं। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे इसको और इन दोनों को तो इधर तो आपका मान हो गया टू आई और यहाँ पर आ गया जीरो से पाई और अब यहाँ पर ऊपर आ गया मान आपका एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स और नीचे वाला मान आपका देगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करने से आपका एक्स तो हो रहा है यहाँ पर कैंसिल और टू आई बराबर आ गया मेरे पास जीरो से पाई यहाँ पर पाई डी एक्स बटे में आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पाई को तो निकालेंगे बाहर यहाँ पर भी, यानी आई का मान आ गया मेरे पास पाई बटा दो क्योंकि साथ में दो भी इसके भाग में आ गया और इधर आ रहा है जीरो से पाई डी एक्स बटा और ये आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब क्या करेंगे, हम आगे साइन और देखो कॉस दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, यानी अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, यानी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे आपके पास आ जाएगा आई बराबर पाई अपॉन टू जीरो से पाई, अब यहाँ पर देखो ये बन जाएगा आपका मान सेक स्क्वायर एक्स क्योंकि वन अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब ये होता है और ये आ जाएगा आपका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और ये आप मान आपका किसका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का। अब हमें क्या करना है, आपको बताया कि जो टेन एक्स का अवकलन है वो क्या होता है, ये होता है इस तरह से। अब देखो बाकी क्या है कि आई बराबर आ गया हमारे पास पाई बाई टू जीरो से पाई सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको सीधा यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको जैसे मान लो अगर आप यहाँ सीधा इसको डायरेक्ट पुट करोगे तो आपने जैसे मान लो बी टेन सामने टी पुट कर दिया, इससे आपको देखो सवाल क्या गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ये अवकलन तो इसका हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लिमिट निकालोगे ना आप तो अगर आप यहाँ जीरो रखते हो तो टी का मान जीरो आ रहा है क्योंकि टेन जीरो मान जीरो होता है, और ऐसे अगर आप पाई रखोगे यहाँ पर तो टेन पाई का मान भी क्या होता है जीरो होता है। अब आप जानते हैं कोई भी समाकलन की लिमिट कभी भी समान नहीं हो सकती, समान हो तो क्या वो विपरीत चिन्ह क्यों होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे जीरो जीरो कोई लिमिट है ही नहीं, कोई क्षेत्र बन रहा ही नहीं आपका, तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो दूसरा गुणधर्म है सात नंबर उसका हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। उस गुणधर्म के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पर डबल कर दोगे आप और डबल करते ही ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी और यहाँ पर आ रहा है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या होगा, आपका टू तो कट गया और आई बराबर आ गया मेरे पास पाई और जीरो से पाई बाई टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या करना, आपको इस बी टेन एक्स को पुट कर दो आप, तो आपने पुट क्या कर दिया बी टेन एक्स बराबर टी पुट कर दिया। अब ये बी तो कॉन्स्टेंट है, टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी बटा बी आ गया। अब साथ में आपको लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, यानी आप लिखोगे एक्स बराबर जीरो पर आपके पास मान क्या आएगा बी इंटू टेन जीरो बराबर क्या रहा टी, एन टी का मान क्या आ गया मेरे पास जीरो आ गया। इसी तरह आप लिखोगे एक्स बराबर पाई बाई टू पर तो मान क्या आएगा बी टेन पाई बाई टू
उधर आ रहा मेरे पास टी, तो आपका मान क्या देगा, बी इंटू अनंत हो गया ना, और अनंत को किसी से गुणा करने पर क्या आएगा मान आपका, अनंत ही आएगा। अब देखिए जो आई है उसका मान हमारे पास क्या बन गया, अब यहाँ पाई तो रहेगा सेम एक बार बाहर पहले से, अब इसकी लिमिट होगी कितनी, जीरो से अनंत। अब जब आपने इसकी लिमिट जीरो से अनंत लगा दी, अब देखो sec स्क्वायर dx का मान कितना आ रहा हमारे पास, dt बटा br है, तो ये b तो आ जाएगा यहाँ पर बाहर और ऊपर आ गया dt। अब देखो इसमें a स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है सेम, सेपरेट कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब b tan x को आपने क्या माना, t माना है, तो ये बन जाएगा आपका t स्क्वायर। अब इसमें क्या आ गया, पाई बटा b। अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x के लिए होता है, तो आप इसको लिखोगे एक बटा ए tan इनवर्स t, और इसमें हमारे पास ये लिमिट आ रही है इसकी जीरो से अनंत। अब हम क्या करेंगे, तो आपने लिख दिया इसमें टी बटा ए, जो फॉर्मूला पढ़ा आपने एक बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये पाई बटा बी को रखना है सेम, अब एक बटा ए तो ही यहाँ पर पहले से, चलो इसको आप बाहर रख लो एक बटा ए को, तो आप अब जब आप इसमें ये लिमिट लगाओगे तो पहले तो आपका मान क्या आएगा, टेन इनवर्स अनंत बटा ए, अनंत बन जाएगा मान आपका, माइनस जब जीरो बटा ए आएगा तो वापस मान क्या बनेगा आपका, टेन इनवर्स से जीरो। अब हमारे पास मान आ गया पाई बटा ए बी, अब यहाँ जो ये मान होता है वो किसका होता है, टेन पाई बाई टू का होता है, और माइनस में ये मान किसका होता है, जीरो, तो मान आपका यहाँ जीरो आ जाएगा, ये कट गया, आपका मान आ गया पाई बटा ए बी इंटू पाई बटा दो, तो आपका मान हो गया पाई स्क्वायर बटा दो ए बी, ये आपको इसमें प्राप्त करना था। ठीक है, धन्यवाद।